कच्चे तेल की कीमतों को लेकर दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सप्लाई पर असर पड़ा है और इसके दाम आसमान छू रहे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद ही कच्चे तेल का भाव 139 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें कुछ कमी आई है, अभी भी उच्च स्तर पर ये बना हुआ है। इस बीच सऊदी अरब ने जो कदम उठाया उसने एशियाई देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल की कीमत में जो है इजाफा कर दिया है। गौरतलब है कि जुलाई महीने के लिए एशियाई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल के आधिकारिक बिक्री मूल्य में जून की तुलना में 2.1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी की गई है। गर्मियों में तेल की ज़्यादा मांग को देखते हुए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है। सऊदी अरब के इस फैसले से भारत को भी बड़ा झटका लगा है। इससे भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा क्योंकि भारत सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। वहीं विश्लेषकों ने कहा है कि सऊदी अरब की ओर से ऐसा कदम उठाने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1.5 डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। वहीं जो वृद्धि की गई है वह इससे कहीं ज़्यादा है। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कराए गए पोल में हर 6 में से एक ने 2 डॉलर से ज़्यादा उछाल का अनुमान व्यक्त किया था। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने यह फैसला जुलाई में तेल का उत्पादन 648,000 बैरल प्रति दिन बढ़ाने के ओपेक प्लस देशों के बीच हुए समझौते के बावजूद किया। इससे एशियाई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां बता दें कि एशियाई देशों के लिए बड़े कच्चे तेल की कीमतों का भारत और चीन और पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि भारत और चीन लगातार रूस का तेल खरीदते रहे। सऊदी अमरीको ने बीते रविवार को कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा किया था। हालांकि अमेरिका के लिए कच्चे तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ने का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ेगा। बता दें सरकार के उत्पादन शुल्क घटाने के बाद से देश में तेल के दाम स्थिर है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और बढ़ते घाटे को कम करने के लिए उनकी ओर से देश की जनता पर बोझ डाला जाएगा। ये बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। गौरतलब है कि भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है और ये अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं। वहीं आयात किए जा रहे कच्चे तेल की कीमत भारत के अमरीकी डॉलर में चुकानी होती है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और डॉलर के मजबूत होने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम प्रभावित होते हैं, यानी ईंधन महंगा होने लगते हैं। यहाँ आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल की कीमतों में 1 डॉलर का इजाफा होता है तो देश में पेट्रोल डीजल का दाम 50 से 60 पैसे बढ़ जाता है। ऐसे में उत्पादन कम होने और सप्लाई में रुकावट के चलते इसके दाम में तेज़ी आने तय है और उम्मीद है कि कच्चे तेल फिर से 130 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच सकता है। वहीं तेल वितरण कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, वहीं एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रोज़ाना पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करती है। साल 2014 तक कीमतों के निर्धारण का काम सरकार के कंधों पर था और हर 15 दिन में इनकी कीमतें बदलती थी, लेकिन जून 2014 के बाद से ये काम तेल कंपनियों को सौंप दिया गया था। वहीं बात करें पेट्रोल डीजल के दाम की तो इसमें आखिरी बार दिवाली से पहले बदलाव किया गया था, तब से सरकार अब तक इसकी कीमत स्थिर है। वहीं गौरतलब है कि देश में खुदरा महंगाई पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी इसमें और इजाफा करने वाली साबित होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में कहा था कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती होने वाली है। दरअसल कच्चा तेल महंगा हुआ तो देश में पेट्रोल डीजल और गैस पर इसका असर पड़ने लगेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई पर खर्च बढ़ेगा और सब्जी फल समेत रोज़मर्रा के सामानों पर महंगाई बढ़ेगी, जो कि आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।